एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। सो गाइस, आज मैंने बनाया हुआ है बिल्कुल नई रेसिपी जो कि है सूखे बेर की लब्दो। ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। हमारे घर पे बेर रखी हुई थी जो कि सूखी हुई अवेलेबल थी, तो मैंने उसी की रेसिपी बनाया हुआ है। ये मार्केट में भी बहुत ईजिली ही मिल जाता है अगर आप लेना चाहोगे तो मैंने ये बेर को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था ताकि अच्छे से फूल जाए। उसके बाद मैं इसे ड्रेन आउट कर लूँगी। आपको इसे कम से कम 3 से 4 घंटे तक के लिए भिगो के रखना है ताकि अच्छे से फूल जाए। और अगर आप जल्दी बनाना चाहते हो तो आप इसे गर्म पानी में भिगो के रख सकते हो, तो उससे जल्दी फूल जाता है। अभी मैं इसे ड्रेन आउट कर दूँगी और बनाऊँगी मैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने ड्रेन आउट कर दिया है। अब मैं चलती हूँ इसे बनाने। यहाँ पे लिया हुआ है मैंने सफ़ेद नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स और शक्कर। इन्हीं चीज़ों से मैं बनाऊँगी। बहुत ही कम चीज़ों में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा दी है, उसमें पानी डाल दिया है। पानी मेरा बॉयल आ जाए पानी में तो उसमें मैं शक्कर डाल दूँगी। देख सकते हैं आप, इसमें पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं शक्कर डाल दूँगी और लगातार इसे चलाती रहूँगी जब तक इसमें शक्कर पूरा घुल ना जाए और उसमें बॉयल ना आ जाए। कंटिन्यूसली आपको ऐसे ही चलाते रहना है। ये देख सकते हैं आप, मेरा चीनी जो है वो घुल चुका है और इसमें बॉयल भी आ चुका है। अब मैं इसमें बेर को डाल दूंगी। इसमें बेर डालने के बाद इसे आपको पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब मैंने इसमें डाल दिया सफ़ेद नमक, उसके बाद मैं डालूंगी काला नमक। काला नमक डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसका। इसके बाद मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स। आप यहाँ पे चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है जीरा पाउडर। आप यहाँ पे चाहो तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, उससे भी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। इसके बाद मैं इसे लो फ्लेम पर पकाती रहूँगी जब तक मेरा बेर अच्छे से फूल ना जाए और ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। शीरा जो है वो बिल्कुल चिपक जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, तब आपको इसे बंद करना है। ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल पक रहा है अभी। ये मेरा आप देख सकते हैं अप्रॉक्स पक ही चुका है। अब थोड़ा और पकाना है। शीरे की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल गाढ़ी हो जानी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, वरना ये टेस्टी नहीं बनेगा और पकेगा भी नहीं अच्छे से। सो गाइस, यहाँ पे मेरा पक चुका है अच्छी तरीके से, ये बन चुका है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ। उसके बाद मैं सबको सर्व करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। सो गाइस, कैसी लगी आज की आप लोगों की ये रेसिपी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।